गाइज नमस्कार, मैं आपका भाई आपका दोस्त अजीत राज स्वागत करता हूँ एक बार फिर से वापस से नए ब्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये छोटी लाइन ब्रॉडगेज, जो छोटी लाइन बोलते हैं अंग्रेजों के ज़माने की दोस्तों। तो दोस्तों आज आप यहाँ पे आने वाले कुछ देर में छोटी लाइन ट्रेन जो कि मीटर गेज जिसे बोलते हैं, जो 1896 में यहाँ पर चलाई गई थी और यहाँ पर काफ़ी करीब 150 सालों से यहाँ पर चल रही है मित्रों। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर कुछ देर में पहुँचने वाली है मीटर गेज ट्रेन और मैं आपको उसके अंदर जाके दिखाने वाला हूँ कि मीटर गेज के अंदर जो बोगी होती कैसी होती है, उसके अंदर जो और सीट होता है कैसा होता है। और तो फाइनली दोस्तों बस कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाली है मीटर गेज ट्रेन और मैं इसमें खड़ा हूँ। अपने आप देख सकते हैं ये मीटर गेज की छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है अंग्रेज़ों का ज़माने का। सकते हैं मित्रों ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ये टिन सेट पुराना स्टेशन, काफ़ी छोटा सा है, काफ़ी सुंदर है। तो ये छोटी लाइन है का हम वेट करते हैं और बस कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ से पहुँचने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों ये मीटर गेज रेलवे लाइन है जो करीब 150-200 साल पुरानी है, जो आज पूरी तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन आज भी यहाँ पर इस ट्रेन को चलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने आ रही है, 1896 में इसको पहली बार चलाया गया था मित्रों। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाइम हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं दोस्तों और हमारी जो ट्रेन है और फाइनली अभी कुछ देर में निकलने वाली है, जंगलों के रास्ते से होकर जाने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों, आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं ये हमारी जो ट्रेन है मीटर गेज की कैसी है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने ये मीटर गेज की ट्रेन है, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैठने का और ऊपर सोने का जो स्थान है उसी ज़माने का है मीटर गेज, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने का है दोस्तों। ये जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने ये मीटर गेज ट्रेन है, जो इसका सीट है देख सकते हैं ये ऊपर सब कुछ लकड़ी का है और उसी ज़माने का अंग्रेजी ज़माने का ये देख सकते हैं पंखा लगा हुआ है। और दोस्तों कुछ ऐसा लोकेशन है, आप देख सकते हैं इधर सिर्फ एक साइड बैठने का स्थान है, तो दूसरे साइड नहीं, जैसे कि ब्रॉड गेज में होता है इधर बैठने का कोई उधर स्थान नहीं है, सिर्फ एक साइड ही इधर ही बैठने का स्थान है दोस्तों। देखिए फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्रेन हमारी निकलने वाली है जंगलों के बीच से और हमारी ट्रेन जो है स्टेशन से धीरे धीरे निकल रही है
और देख सकते हैं दोस्तों की ट्रेन एक छोटी लाइन की स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा भीड़ भी नहीं है। और फाइनली हमारी ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे छूट रही है और जंगलों के बीच से होकर निकलने वाली, काफ़ी रोमांचक सफर होगा दोस्तों। बने रहेगा वीडियो को देखने जाएंगे मत, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हमारी ट्रेन धीरे धीरे वहाँ से स्टेशन से निकलने वाली है और निकल चुकी है ट्रेन दोस्तों, निकल भी रही है। Oh my.